लगता है यहाँ कोई अकृष्ट त्योहार है जो हमें दिख नहीं रही है। सिपाही कौन कैसे मूर्ख, यह एक तिलस्म है, ये केवल दोनों राज परिवारों के हाथों से ही खोला जा सकता है। हम अवंतिकापुरी के महाराज हैं, हम क्यों नहीं खोल सकते? हमें पता है कि तू राज परिवार का नहीं, तू लिटोरों का वंशज है, जिसके कारण यह खजाना यहाँ छिपाया गया था। लेकिन तू कौन है पुत्र? मैं इस तिलस्म का दरोगा हूँ, मेरे होते हुए कोई इसे छू भी नहीं सकता। तब तो तू इसे खोलना जानता होगा, चल खोल, नहीं तो तेरा सर अभी घर से अलग कर दूंगा। अगर तुम मुझे जान से भी मार दोगे तो भी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अरे तू मर जाएगा तो दरवाजा कौन खोलेगा रे बुड्ढे? दरोगा तू, खजाने की असली वारिस हम है, हम और हम आ गए हैं। सिपाहियों समाप्त कर दो इन सभी को। महाराज यहाँ तो अपरंपार सोना चांदी हीरा मोती है। हाँ राम सिंह, ये मालवा और अवंतिका की प्रजा के कल्याण के लिए खर्च किए जाएंगे। मैं घोषणा करता हूं कि इस स्थल से दोनों राज्य में नहरे, तालाब, रास्ते और विश्राम गृह बनवाया जाएगा। इस धन का उपयोग प्रजा हित में और प्रजा की सुरक्षा के लिए विशाल सेना के निर्माण में खर्च किया जाएगा। और मैं यह भी घोषणा करता हूं कि राजकुमार जय सिंह अर्थात शेर सिंह का विवाह राजकुमारी रत्ना के साथ धूमधाम से किया जाए। माता मुंडेश्वरी की, महाराज धर्मपाल की, महाराज धर्मपाल की, राजकुमार शेर सिंह की, राजकुमारी रत्ना की। Thank you.
का व्यवस्था किया जाए। जो आज्ञा महाराज। माता मुंडेश्वरी की मंदिर में ही राजकुमारी रत्ना और राजकुमार शेर सिंह का विवाह किया जाएगा। बुलबुला